नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे, है ना? चलो बहुत अच्छे से, आपको क्या करना है? हमें तैयार करना है क्या? अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया था? 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा दिए थे, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं? वेरी गुड। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कराएंगे, है ना? तो अभी आप रेडी हो? वेरी गुड। अपनी किताब ओपन कर लेंगे, है ना? देखो, पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। और ये इसके राइटर कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, है ना? पक्षी उन्मुक्त गगन के, वो वाला चैप्टर था, ये वाला हमने पढ़ाया था अभी आपको, है ना? इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन में, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, है ना? सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं लेकिन उसके बावजूद भी पक्षी हैं वो पिंजरे में बंद होना क्यों नहीं चाहते हैं, है ना? इस तरीके का हर तरह की आंसर देखो इसका। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन में रहना नहीं चाहते हैं, वे खुले आसमान में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। क्यों उनको बंद पिंजरे में बंद रहना क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ादी से रहना चाहते हैं। खुले आसमान में उड़ने वाले होते हैं, वो बंधनों में रहना नहीं चाहते हैं इसलिए, है ना? समझ में आ गया? वेरी गुड। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी है वो उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं? देखो, पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना चाहता है, यानी कि उन्मुक्त रह के, स्वतंत्र रह के वह क्या करना चाहता है? नदियों का शीतल जल पीना चाहता है ना? नदियों का शीतल जल पीना चाहता है। कड़वी निबोड़ी निबोरी खाना चाहता है, जो नीम की निबोलियाँ होती है ना, फल होता है नीम का, उसको वो खाना चाहता है। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना चाहता है, जो सबसे ऊपर पतली वाली चोटी होती है ना, उस पर बैठ के वो क्या करना चाहता है? झूला झूलना चाहता है। खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना चाहता है, यानी कि वो क्या करना चाहता है? और आसमान में, खुले आसमान में उड़ना चाहता है। और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छा को पूरी करना चाहता है। क्षितिज जहाँ पर पृथ्वी और आसमान का मिला हुआ रूप जैसा प्रतीत होता है ना, उसको क्षितिज कहते हैं। तो वहाँ पर वो पहुँचना चाहता है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है, नीम की निबोलियाँ खाना चाहता है और खुले आसमान का पानी पीना चाहता, खुले आसमान में उड़ना चाहता है और जब बहते हुए जल को पीना चाहता है कि नहीं है? और ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाव स्पष्ट करना है। इनके भाव हैं, उनको स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, इसका भाव अपने शब्दों में लिखना है। समझ में आ गया ना? हाँ, अर्थ लिखना है इसका। वेरी गुड। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं और या चाहते हैं नहीं तो अपने प्राणों को न्योछावर कर देना चाहते हैं, यानी कि या तो हम उड़ेंगे तो उस क्षितिज तक पहुंच जाएंगे और यदि नहीं पहुंचे तो अपने प्राणों को भी गंवा सकते हैं। इस तरीका से वो उसमें कहना चाहता है। अब देखो और भी हैं इसके अंदर क्वेश्चन। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, है ना? बहुत से लोग पक्षी पालते हैं या नहीं पालते हैं? वेरी गुड। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखना है। अब आपको अपने विचार के आधार पे ये बताना है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, मैं ओनली हिंट दूंगा आपको कि हमें जो पक्षी पालने होते हैं तो हमें पक्षी पालने चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताना है आपको। कैसे बताएंगे? पक्षी को क्या चाहता है, पक्षी को कौन सी यदि हम उसको पिंजड़े में रखते हैं कैद करके, तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो हमें देखनी है कि नहीं है? और हम पालते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है उससे? कोई फ़ायदा होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर हमें क्यों पालने चाहिए, है कि नहीं है? तो इस तरीका से चीज़ों को भी इसमें बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण का भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। यानी कि जब पक्षियों को हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो उनका आज़ादी का तो हनन नहीं हुआ, लेकिन इसके अपेक्षा पर्यावरण का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, पर्यावरण भी प्रभावित हुई है उससे, तो उसके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो देखो हम क्या लिखते हैं, पक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमें उन्हें स्वच्छंदता ना
प्रदान करें, पिंजरे में बंद रखें तो हमारा पर्यावरण भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये पर्यावरण के अनेक चीज़ों में सहायक का कार्य करती हैं। कुछ पक्षी छोटे कीटों को खाते हैं जिससे संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है कि नहीं है। यदि ये मान के चलो जैसे पक्षी हैं वो कीड़े मकोड़ों को नहीं खाएं तो बहुत सारे कीड़े पृथ्वी पर हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो उस पृथ्वी को यानी कीड़ों की संख्या को संतुलित करने का काम कौन करता है? पक्षी करते हैं। पक्षी फलों को खाकर उनके बीजों को गिरा देते हैं जिससे फलस्वरूप नए नए पौधे बनते हैं, है कि नहीं है। जब पक्षी खाएगा बीज तो बीज नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा तो एक नया पौधा बनेगा, तो नए पेड़ बनेंगे, है कि नहीं है। पनपते हैं कुछ पक्षी सफाई का काम भी करते हैं, वे आसपास की हमारी फैलाई गंदगी जैसे रोटी का टुकड़ा आदि खाकर उसे स्वच्छ बनाए रखने में काम करते हैं, है कि नहीं है। जब हम कोई चीज़ बाहर छोड़ देते हैं तो उसको कौवा उठा के ले जाता है और कोई पक्षी उठा के ले जाते हैं, तो वो भी हमारी सफाई का काम करते हैं। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, मानव कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, इसलिए पर्यावरण की तरह इनका भी हमें एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि नहीं है। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, इसके अंदर टोटल करके हमारे क्वेश्चन हो गए, 2 बड़े वाले थे और हमारे 3 छोटे वाले थे, है ना। तो 5 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए बच्चों, है कि नहीं है। और एक कक्षा 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के क्वेश्चन आंसर थे जो हमने आज आपको कराए हैं। और इस चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि इस क्वेश्चन आंसर इनके पास पहुँचेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो इसलिए बच्चों आप देख रहे हो, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।